like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू A2K रिपेयर। आज मेरे पास एक सैमसंग का मॉनिटर आया है। इसका जो प्रॉब्लम है, ये नो डिस्प्ले है, ठीक है। इसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, ठीक है। IR का जो पैनल का जो लाइट होता है वो भी नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम इसको आज रिपेयर करेंगे और देखते हैं क्या फॉल्ट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम इसका वोल्टेज चेकिंग करेंगे। इधर ये पूरा रॉ वीडियो है, ठीक है। ये आप कहीं से भी काटिएगा मत, ठीक है। कट नहीं करने का, पूरा देखने का वीडियो का, ठीक है। चलिए गाइस, तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं। जब मैं इस पे जो पावर दे दिया, ये देखिए, इसके थ्रू मैंने यहाँ पर इसका जो प्लग इन कर दिया, ठीक है। ये देखिए, देख सकते हो। तो ये देखिए, इसका भी इंडिकेटर भी चल रहा है। तो इस पे देखिए, कोई भी डिस्प्ले वगैरह नहीं है, और ये देखिए, इसका कोई इंडिकेटर भी नहीं चल रहा। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। पहले मैं कैमरा को स्टैंड पे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूँगा। मैं इसको खोल लेता हूँ। सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर जो स्क्रू है इसको निकालना पड़ेगा। तो इसको निकल, इसे इसको ऐसे लेफ्ट में घुमा देंगे तो ये अपने आप ही पैस से खोल जाएगा, ठीक है। ये हाथों से ही खोला जाता है, ठीक है। तो इसको हम निकल लेते हैं, इसको साइड पे रखते हैं। अब इसको, ये जो मेरा ओपनर है इससे खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर खोल के देखते हैं, इसको अंदर घुसा के थोड़ा प्रेशर देंगे तो ये अपने आप ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइस, मैंने इसका जो स्क्रू है वो पहले खोलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रू पहले खोलेंगे, ठीक है। मेरे मुझसे गलती हो गई, ठीक है। और एक बात गाइस, मेरा जो हिंदी है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। तो अपनी तरफ से कुछ मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। तो इसको साइड पे रख देते हैं, ठीक है। जब एक बात तो बोलना भूल गया, जब मैंने जो कस्टमर था उस कस्टमर से मैंने ये मॉनिटर जब लिया था, तब मैंने जो इस पर लाइन इन किया था, यह पर फ्लैश हो रहा था, ठीक है। SMPS पे फ्लैशिंग हो रहा था, ठीक है। तो पहले हम LBDS केबल को खोल लेते हैं, वगैरह को साइड पे रख देते हैं। तो गाइस, पहले हम SMPS को खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस, इसका हालत देखिए, देखिए। मैं इसका जो प्रो ओवरव्यू है वो आपको दिखा दूंगा।
ये देख सकते हैं इसका हालत देखिए। ये पर शायद कोई कैपेसिटर लगा था, कैपेसिटर तो नहीं, यह पर शायद एक पीएफ लगा था, ठीक है। वो उसका जो हालत देखिए, ये पूरा जल के राख हो चुका है, ठीक है, पूरा राख हो चुका है। तो इसको हम पहले क्लीन करेंगे, उसके बाद ये जो लाइन है इसको हम निकाल देंगे, तो ये शायद रेडी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले बात इस पैनल को हम साइड कर देते हैं। ये पर देखिए गाइस, तो गाइस हम इसको थिनर से क्लीन कर लेंगे, ठीक है। पहले उसके बाद पहले हम इसको शोल्डरिंग करके इस जो पीएफ लगा है, इस पीएफ का जो लेग्स है इसको पहले निकल लेते हैं। ये निकालने के शायद काम हो सकता है हमारा। पहले इसको क्लीन कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके पास का जो डायोड है वो ठीक है क्या नहीं, ठीक। तो पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे क्लीनर से। मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो तीन टायर है इसको हम चेक करके देखेंगे ये सही है या गलत, ठीक है। ये इसका जो फॉल्ट है, ये सर एक कैपेसिटर शॉर्ट था, तो इसको हम निकल के फेंक दिया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या बात है। तो हम डीसी कंटिन्यू भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे ये डायोड ठीक है यह नहीं है, देखिए गाइस ये है, मीटर पे आप देख सकते हैं। तो देखिए डायोड तो ठीक ही है, ये डायोड भी ठीक है, ये तीनों डायोड ही ठीक है, ठीक है गाइस। मीटर पे आप देख सकते हैं,
ठीक है, ये तीनों डाइट ठीक है। तो गाइस देखते हैं इसका जो वोल्टेज है। देखिए गाइस, सबसे पहले ये इसका जो पैनल वोल्टेज है वो देखिए, देखिए वोल्टेज, सॉरी ये देखिए 5 वोल्ट स्टेबल है, ठीक है 4.9। और इसका जो पैनल, इसका जो वोल्टेज जाता है मेन पीसी में, ये देखिए गाइस 16 वोल्ट। और जो हमारा बैकलाइट का जो सेक्शन है, यहाँ पर जो 9 नंबर पिन है, ये बैकलाइट ऑन वोल्टेज जो 3.3 हो सकता है, ये देखिए 3 वोल्ट 2.9 ओके। और ये जो हमारा पहले नंबर के पिन है, यहाँ पर बैकलाइट एडजस्टमेंट जो वोल्टेज 3.3 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है ये वोल्टेज भी चलेगा ओके। तो ये मतलब है हमारा जो बोर्ड है वो रेडी हो गया इस पीएफ को निकालने से। और यह पर जो 4 डायोड था उसको मैंने रिसोल्ड कर दिया। उसके बाद इसका जो लाइन आ चुका, बराबर आ चुका है, तो इसको हम पैनल में सेट करके देखेंगे ये पैनल पे क्या वोल्टेज आ रहा है। चलिए इसको हम लगा लेते हैं। ऐसे प्रॉब्लम होने से अब पहले पावर सप्लाई को देखते हैं, ठीक है पावर सप्लाई ओके हो तो इसका जो ऐसे प्रॉब्लम, इसका जो बैकलाइट का प्रॉब्लम है ऐसे भी हो सकता है बैकलाइट का वैसे भी, ठीक है। गाइस अब हम पैनल को ले आते हैं, ठीक है साइड पे रखा था। ये देखिए इसका जो पैनल है इस पर हम अब सेट करेंगे। LVDS का जो कनेक्शन है इसको हम दे देते हैं। ये देखिए गाइस मैंने इसको सेट कर लिया। अब इसको लाइन देके देखते हैं इसका जो डिस्प्ले है ये आया है या नहीं। बैकलाइट का जो प्रॉब्लम का वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा बैकलाइट प्रॉब्लम का वीडियो, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका जो प्रॉब्लम है ये सही हो। ये देखिए गाइस इसका जो इंडिकेटर नहीं चल रहा था इसका इंडिकेटर देखिए गाइस जल गया। और ये देखिए गाइस इसका जो डिस्प्ले है ये भी आ गया। तो सॉरी गाइस इसका जो शॉर्ट हो सकता है, मैं इसको असेंबल थोड़ा असेंबल कर लेता हूँ उसके बाद हम देखेंगे। मैं अकेले अकेले वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखा था इसका जो इंडिकेटर है जल गया, तो मैं इसको असेंबल करके आपको दिखाता हूँ इसका जो वोल्टेज है ये आया है, मैं इसका जो डिस्प्ले है ये आया है क्या नहीं, ठीक है। मैं इसका जो स्क्रू नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही आपको दिखाऊंगा जो इसका इसका जो डिस्प्ले है ये सक्सेसफुली आ गया है या नहीं, उसके बाद मैं इसको रेडी करके दिखाऊंगा। तो पूरा तो देखिए गाइस, तो इसका जो पावर प्लग है वो हम दे देते हैं।
इसका देखिए गाइस, मैंने पावर प्लग को लगा दिया हूँ। देखिए अब इसका जो डिस्प्ले है वो देखेंगे, इसका डिस्प्ले आया है या नहीं। ठीक है, तो ये देखिए गाइस, मैंने इस ये जो पावर का प्लग है इसको यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको ऑन कर दिया। देखिए गाइस, ये जो इंडिकेटर नहीं चल रहा था वो अब चलने लगा है। अरे देखिए गाइस, इसका जो सक्सेसफुली डिस्प्ले आ चुका है। इसका सक्सेसफुली डिस्प्ले आ गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम स्क्रू दे के फिटिंग करके हमको दिखाता हूँ। ठीक है, तो गाइस इसका जो स्क्रू है वो मैं लगा लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे कैमरा को थोड़ा सही कर लो। इसको कुछ नहीं किया था, सिर्फ एक कैपेसिटर को निकलने से, ये जो फिट है सिर्फ एक कैपेसिटर को निकलने से हमारा जो मॉनिटर है वो रेडी हो चुका है। इसको हम अब फिटिंग कर रहे हैं। चलो गाइस, मैंने मॉनिटर को फिट कर लिया है, तो इसको अब पावर देके देखते हैं। देखिए गाइस, इस पे पावर आ चुका है, तो मॉनिटर को देखते हैं। देखिए गाइस, सक्सेसफुली डिस्प्ले आ चुका है। तो